हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसमें एक लड़का अपनी सपनों की दुनिया से किसी भी कीमती वस्तु को अपनी असल दुनिया में लेकर आ सकता है। लेकिन जब भी वो सपनों में जाता है तो वहाँ एक राक्षस उसे मार देता है। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम मूवी के लीड रोल सेंगू को देखते हैं, जो बहुत ही गरीब स्क्रिप्ट राइटर है। उसकी लाइफ पूरी स्ट्रगल से भरी हुई है, लेकिन उसके पास एक और प्रॉब्लम है जो इससे भी बड़ी है। दरअसल जब भी सेंग्यू सोता है तो सपनों में एक राक्षस उसे बहुत ही बुरी तरह से मारता है, और इसकी वजह से वो सही से सो भी नहीं पाता है। अब सेंग्यू को एक सपना आता है जिसमें वो मेट्रो में सफर कर रहा था, तभी वहाँ पर वो राक्षस भी आ जाता है जो सेंग्यू को बहुत ही बुरी तरह से पीटता है और आखिर में ट्रेन में छेद करके उसे पटरी से घिसा के मार देता है, और तभी उसकी नींद भी टूट जाती है। फिर वो स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका मकान मालिक उसके दरवाजे को पीटने लगता है, जिसकी वजह से वो स्क्रिप्ट ना लिखकर खिड़की से बाहर चला जाता है, क्योंकि उसका मकान मालिक उससे किराया मांगने वाला था जो कि उसके पास नहीं था। इसके बाद वो एक स्टॉल पर जाता है जहाँ पर वो एक एगलेस केक मांगता है, क्योंकि एग वाला केक खाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। लेकिन अंकल जी को दया आती है और वो उसे एग वाला केक दे देते हैं। अब वो सामने एक कैफे में हुआर को देखता है, जिसे वो अंदर ही अंदर पसंद करता था, और हुआर उस कैफे में काम करती है। तभी उसको उसका एक दोस्त मिलता है। सेंग्यू उसे देखकर भाग विजिट माई चैनल।